बिल्डिंग का सदा आप जी बिल्डिंग में रहने पे फिर थोड़ा पूरा अपार्टमेंट का टूर देवे। अज बार बर्फ पैंती भी है, स्नो ही स्नो चारों तरफ, स्नो ही स्नो। यह जड़े मेरे पीछे तुम बिल्डिंग देख रहे हो, यह बिल्डिंग में आप रहने हैं। सारी बिल्डिंग इधर भी अपार्टमेंट्स ने, इधर भी अपार्टमेंट्स, चारों तरफ अपार्टमेंट अपार्टमेंट ने। तो यह साढ़े अपार्टमेंट्स की पार्किंग है जिथे गड्डिया पार्क होंगे ने। आ बिल्डिंग है जिदे चार टोटल अठ अपार्टमेंट्स ने, एक ग्राउंड फ्लोर ते चार अपार्टमेंट्स ने, तो फस्ट फ्लोर ते चार अपार्टमेंट्स ने। आप रहने फस्ट फ्लोर ते, तो तुहानू हुण अपार्टमेंट टूर दी दे दें। इत्थों उपर जाना है तो साडा अपार्टमेंट नंबर आ 3। इधर बार डोर बैल भी लगी हुई आ, जिहड़े अपार्टमेंट च किसी ने जाना है वह अपार्टमेंट की डोर बैल बजा सकता। हुण इत्थों आप अंदर चलते हाँ। बिल्डिंग एंटर करते ही आ जाती है वॉशिंग मशीन एरिया, लॉन्ड्री एरिया जिथे आप कपड़े धोने, तो इस साइड ड्रायर आ। इत्थे वॉशिंग मशीन यूज करने वास्ते $2 पाने पैंदे आ, एक एक डालर के दो सिक्के फॉर वॉशिंग और $2 फॉर ड्रायर। आ साडा अपार्टमेंट आ जिथे आप रहने यूनिट 3। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ इस तरह का साडा अपार्टमेंट आ, एंटर करते ही साइड च मिरर आ, ए पिछे थोड़ा स्टोरेज एरिया वा जिथे आप थोड़ा बहुत समान रख्या हो डेली यूज वाला। और साइड च किचन आ जाती है, किचन काफ़ी कन्वीनियंट आ, तो ओपन आ, नॉर्मल साइज आ। फ्रिज पिया, ए सारे कबर्ड्स ने जिदे आप ग्रोसरी रखी हुई आ। इधर सारे उपर बर्तन पे हुए हैं, यह दो सिंगा ने, इत भांडे धोने, एक आर ओ पिया होया, इतने पोर्टेबल आर ओ होंगे, ये उपरू पानी पा के नीचे अपने फिल्टर हो जाता पानी। एयर फ्रायर पिया, स्नैक्स रेडी कर सकते हैं जो भी सानू खाने आते हैं, जिमें कि जेडे फ्रोजन स्नैक्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्राइज आ जाए, होर चीज़ पफ्स आ जाते हैं, वह सू तो ऑयल में फ्राई करने की लड़ नहीं पैंती। इतने बस आप एयर फ्रायर में पा दें, तो इतने आप टाइमर सैट कर दें, मिनीम 12 या 15 मिनट में स्नैक्स साढ़े रेडी हो जाते हैं। तो यह कुछ इस तरह की साड़ी किचन आ। उस सामने डाइनिंग टेबल पिया हो जिद उत्ते काफ़ी समान पिया है, कुर्सियां ने, इधर किचन के नाल इधर साइड च एक बालकनी भी आ, मैं थोनू बाहर जाके दसदा। खुल जा, कुछ इस तरह की बालकनी आ, काफ़ी स्पेशियस आ, समान भी रख्या होया। बाहर बर्फ पैंदी भी आ पूरी, चारों तरफ स्नो ही स्नो। तां कुछ इस तरह की बालकनी आ, तां हूँ बालकनी तो आप बाहर चलते हैं क्योंकि बार बर्फ पैंती पी आ, बहुत ठंड भी हो रही है। किचन के साइड से लिविंग रूम आ जाता है, लिविंग रूम प्लस लॉबी एरिया जिथे सोफे पे हुए हैं, टेबल पे हुए हैं, एक गद्दा भी रखा हुआ है सोन वास्ते, पूरी डेकोरेशन की हुई है सारी। तो लिविंग लॉबी कम लिविंग एरिया ची आप LCD रखी हुई आ, 43 इंच की LCD आ, स्मार्ट LCD आ, सब कुछ चलता, नैटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, यूट्यूब, आप फोन भी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, सब कुछ एंड्रॉयड स्मार्ट TV आ, सब कुछ चलता ये। आप बस जो भी चील करना होंगे सोफिया तो बैठ के नैटफ्लिक्स ऑन किया, मूवीज ला ली, सीरीज लगा ली, आराम नाल टाइम पास हो जाता है, इतने चील कर लेने। लिविंग एरिया से आप रखा हुआ शू रैक, ए साडे सारे शूज पे हुए हैं, बाहर चप्पल भी हुई ने, जेडी आप
डेली वेयर करते हैं घर के। इधर एक मेज पिया हुआ, थोड़ा समान पिया, लैपटॉप्स हो गए, कॉपी दवाइया पिया ने, एक लैंप पिया हुआ। तो यह कुछ साड़ा लिविंग कम लॉबी एरिया वा जिथे आप बैठ के आराम नाल चिल करते हैं इन नाइट टाइम। लॉबी दी एंट्रेंस तो सीधा सीधा भी आ, उधरों किचन दे नाल भी कनैक्ट आ, ताकि सारे पासे आप अंदर आ सकी। तो नाले जावे कोई कुकिंग करता होया, उन्हों अगर कोई टीवी देखना होया नाल दे नाल, आराम नाल बंदा इधरों आ के इत्थे बैठ के टीवी देख सकता है। इधर साढ़े कॉलेज बैग पे हुए ने, तो लिविंग एरिया दे नाल ही आ छोटी जी गली जी आती है। तो इत्थे जाते ही साइड च दो रूम्स ने, एक रूम है वा ए रूम एस तू एस रूम दे साइज तू हाफ साइज का एक ए रूम आ। दो रूम्स दे साइड च ही इधर वॉशरूम आ जाता है। वॉशरूम विच मिरर लगा हुआ, मिरर सीट ते इधर बाथटब लगा हुआ, सब कुछ हैगा इंतजाम पूरा नहाउण धोउण दा, वॉशरूम करन दा। इत्थे वॉशरूम विच टिशू पेपर यूज करना पैंदा, पर आपां जेट स्प्रे लगवाया होया है खास। वॉशरूम तो बाद एक साइड च छोटा जा स्टोर रूम बनया होया जिस आपां गंद कबाड़ रख्या होया, मैं खोल नहीं सकता क्योंकि गंद दिख जाएगा तुहानूं, ठीक है। हुण गल कर लैणी आ कि इहदा आपां रेंट किन्ना पे करदे आ। सब तो पहला मैं बैठ जाना फिर तुहाडे नाल गल करदा। हाँ तो हुण मैं तुहानूं दसदा आपां रेंट इहदा 1552 मतलब कि $1,552 साडा रेंट है इहदा अपार्टमेंट का। आपां टोटल रहिंदे आ चार जने, तो मेरे हिस्से जांदा $300 रेंट, क्योंकि मैं लॉबी विच पैंदा वा, तां करके मैनूं मेरा शेयर घट आ। तो एक मुंडा पे करदा आ, तो एक मुंडा पे करदा आ 500 something, क्योंकि उहदा रूम अलग आ, सैपरेट रूम लिता होया, वह अपने रूम च अकेला ही रहिंदा है। तो जिहड़े बाकी दो जने आ वह पे करदे आ $377, क्योंकि वह दो जने रूम च रहिंदे आ, तां करके उहनां दा शेयर थोड़ा ज़्यादा आ ते मेरा घट आ। तां हुण गल कर लैणे आ इलैक्ट्रिसिटी बिल किन्ना आंदा। लास्ट टाइम जिहड़ा बिल आया सी वह आया सी $374 आया सी 2 month का। अगर एक मंथ का हिसाब लगाइए तो 187 कुछ समथिंग सी एक महीने का इलैक्ट्रिसिटी बिल। अगर चारां विच कन्वर्ट करिए 41 पता नहीं 42, तुसी आप ही कैलकुलेट कर लियो कि किन्ना क इलैक्ट्रिसिटी बिल एक बंदे दे हिसाब नाल पैंदा है। तो हुण मैं तुहानूं दसदा कि साडा वाईफाई का बिल किन्ना आंदा है। वाईफाई का बिल आंदा है अप्रोक्स $94 or $95, इहनूं तुसी अपने आप चार्ज कन्वर्ट कर लोगे किन्ना पर हैड किन्ना पैंदा है। तो यह कुछ एक्सपेंसिस सी जिहड़े एक बंदे दे कनेडा विच रहिंदे आ आंदे आ पर मंथ। तो होर ग्रोसरी आपां महीने दी इकट्ठे करदे आ अप्रोक्स $400 दी साडी ग्रोसरी हो जांदी आ, पर हैड $100 पैंदा आ। तां तुसी टोटल करके देख सकदे हो कि पर हैड किन्ना खर्चा आ जांदा आ कनेडा विच रहिंदा एक बंदे दा। तां यह कुछ ही है अज की वीडियो। अगर तुहानू यह वीडियो वधिया लगी होए तां प्लीज़ इस वीडियो नूं लाइक कर दो, चैनल नूं जरूर सबसक्राइब करियो, क्योंकि मैं नवी नवी वीडियो पाता रहूँगा, तुहानू कनेडा की लाइफ स्टाइल दिखाता रहूँगा। तो चलो मिलते हैं थोनों अगली वीडियो। इस वीडियो लई बस इन्ना ही, टिल दैन बाय बाय।